दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरमन चैनल को और प्रेस कीजिए इस घंटे को ताकि आप देख पाए हमारा वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आपको मैं आज बताऊंगा कि आप कैसे अपने घर पे बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड या फिर हो बॉयफ्रेंड या फिर अपने बच्चे या किसी भी अपने फ्रेंड का या किसी भी रिलेटिव को देखना चाहते हैं, वो अभी क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है और किसके साथ है, तो आप अपने घर बैठे उसके ही कैमरे से, फ्रंट और बैक के कैमरे से देख सकते हैं उसकी सारी एक्टिविटी को। मैं आपको फुल डेमो के साथ बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो है वो पूरा का पूरा देखिएगा, एक भी स्टेप को मिस नहीं करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे देखेंगे क्रिएट कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटे वाला बेल को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दबा दो बगल वाले घंटे को ताकि आप देख पाओ हमारा वीडियो सबसे पहले। सबसे पहले आपको जिसका भी आप देखना चाहते हो कि वो क्या कर रहा है या जिसका भी आप उसे ट्राई करना चाहते हो, तो उसका मोबाइल आप एक मिनट के लिए ले लोगे और लेने के बाद उसका प्ले स्टोर ओपन करना और प्ले स्टोर पे एक सर्च करना है एक एप्लीकेशन आईपी वेबकैम। आप जैसे इसे सर्च करोगे सबसे फर्स्ट में आ जाएगी और फर्स्ट में आने के बाद ये जो बहुत ही 10 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है, लगभग 1 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ से आपको फिर से ओपन करना है उसके फ़ोन में। और ओपन करते ही मैं आपको बता देता हूँ आगे की प्रोसेस क्या है क्या नहीं है। ओपन करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो सबसे पहले जो आपको है डिसेबल नोटिफिकेशन कर लेना है, क्योंकि जब भी ये एप्लीकेशन रन हो तो सामने वाला को पता नहीं चले कि आप उसके मोबाइल पे कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पे डिसेबल कर देना। मैंने पहले से ही ग्रीन टिक ब्लू टिक लगा रखी है। अब आपको जाना है नीचे में, अब आपका काम आता है तो यहाँ पे आपको करना क्या है, स्टार्ट सर्वर जो सबसे लास्ट में है, बिगिन सर्विंग वीडियो स्ट्रीम, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको कैमरे के साथ कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से जानोगे कि ये तो उसके मोबाइल पे अभी खुला है, आपको घर बैठे कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं नीचे में साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्शन का बटन है, एक्शन पे जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर आईपी का ऑप्शन है, तो शेयर आईपी पे आप जाओगे और शेयर आईपी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको शेयर करने के लिए कुछ आईपी देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप से अपने नंबर पे या किसी दोस्त के नंबर पे जिसका भी आप एक्सेस कर सके उसके पे आप भेज देना, और भेज देने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ आगे करना क्या है। यहाँ पे मैं भेज देता हूँ और मेरा जो मैं इसे लैपटॉप में यूज करूँगा और या किसी में भी, तो ये आईपी जो है वो सही से गई नहीं है, तो मैं इसे फिर से कर लेता हूँ। तो अब आपको करना क्या है, आप WhatsApp को अपना ओपन कर लीजिएगा। मैं वेब WhatsApp ओपन कर लिया हूँ और ओपन कर देने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस आईपी को आप ओपन कर लेना। आईपी को ओपन करने का कुछ तरीका इस तरह होगा, आप इसे पूरा सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गो टू HTTP पे आप क्लिक कर देना। उसके बाद आपको जो इंटरफेस है कुछ इस तरह दिखेगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि करना कैसे है और क्या आपको करना है। यहाँ पे आपको वीडियो रेंडर्ड का ऑप्शन होगा, देख सकते हैं ये वीडियो रेंडर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको फ्लैश करेंगे तो फ्लैश करते ही ये आप यहाँ पे आपको पूरी तरह से उसके फ्रंट कैमरा से वीडियो दिखने लगेगा। मेरा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं जियो का नेट यूज कर रहा हूँ और जियो का नेट आपको भी पता है कुछ फास्ट अब है नहीं, तो आपको कुछ वाईफाई का बहुत ज़्यादा फास्ट नेट यूज करना होगा। अगर फास्ट नेट आपके पास नहीं है तो उसके लिए घबराइए मत, आप उस दौरान फोटो को क्लिक कर सकते हो। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो फ्रंट कैमरा हो वो अपने मोबाइल का यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड का आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से उसके फ्रंट कैमरे से आप फोटो लेना चाहते हो या बैक कैमरे से, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो मैं फ्रंट कैमरा से एक डेमो देता हूँ। जैसे कि मैं टेक फोटो पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे मोबाइल का जो मैं बोल रहा हूँ देख सकते हैं ईयरफोन लगा के मैं वो पूरा फोटो आ चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने बैक कैमरा से, तो यहाँ पे मैं बैक कैमरा जैसे ही करूँगा, बैक कैमरा करने के बाद यहाँ पे टेक फोटो करूँगा, तो टेक फोटो करने के बाद ये जो मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है वो पूरी तरह से दिख जाएगा। अब आपको मैं बता देता हूँ, फिर से मैं फ्रंट कैमरा करता हूँ और फ्रंट कैमरा करने के बाद मैं कुछ अच्छा पोज दे देता हूँ और यहाँ पे टेक फोटो करता हूँ, तो यहाँ से देख सकते आ चुकी है। तो ऐसे ही आप अपनी गर्लफ्रेंड का
आगे या पीछे का कैमरा से उसकी सारी चीज़ कर सकते हो, और वीडियो भी आपको दिखेगी, उसके लिए घबराइए मत, पर आपको फास्ट नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले और फ्रेश वीडियो के साथ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।